जियो फाइबर ले कि एयरटेल के एक्सट्रीम फाइबर ले। यार ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोग यहाँ पे पूछते हैं, क्योंकि दोनों ही लगभग पैन इंडिया अवेलेबल है यहाँ पे और दोनों में ही लगभग आपको 1 Gbps स्पीड मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना 1 Gbps का प्लान दोनों का लेकर देखा जाए और सच में कंपेयर किया जाए कि आखिर में दोनों में से आपको बेटर वैल्यू कौन दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने जियो को भी यूज कर रहा था काफी लंबे समय से और अब मैंने एयरटेल का 1 Gbps का एक्सट्रीम फाइबर भी ले लिया यहाँ पे, और आपको एक डेफिनेटली एक बात बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली मैं दोनों में से बेटर कौन है कंपैरिजन बता सकता हूँ, क्योंकि इस टाइप के कंपैरिजन ज्यादा लोगों ने यहाँ पे करे नहीं है, वो भी टॉप एंड प्लान के जो यहाँ पे 1 Gbps का मिलता है। तो सबसे पहले क्लैरिफिकेशन कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं नॉर्मल फाइबर के बारे में बात कर रहा हूँ, एयर फाइबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी मार्केट में ट्रेंड में है। क्योंकि यहाँ पे आपको फन फैक्ट बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे एयर फाइबर जो है वो कभी भी आपकी जो रेगुलर फाइबर की स्पीड से वो अचीव नहीं कर सकता। रेगुलर फाइबर जो आपका घर में केबल से आता है वो आपको ज्यादा बेटर स्पीड प्रोवाइड करेगा, कंसिस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करेगा, वहां पे ड्रॉप नहीं आएगा, लेटेंसी भी कम होगी। लेकिन जो एयर फाइबर है वो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और वो कभी भी आपको उस लेवल का कंसिस्टेंट नेटवर्क होता है ना वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और एयर फाइबर मैं तभी रिकमेंड करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग आज के समय में रेगुलर फाइबर का यूज नहीं कर पा रहे या फिर उनकी आदत जियो फाइबर एयरटेल फाइबर आ ही नहीं पाया है, उन लोगों के लिए एयर फाइबर बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। और एयर फाइबर में अगर कंपैरिजन करना है तो सीधी सीधी यहाँ पे जियो विनर है, क्योंकि यहाँ पे वो अप टू 1 Gbps की स्पीड प्रोवाइड करते हैं, हालांकि 1000 GB का डेटा कैप लगा हुआ है वहाँ पे और वहाँ पे स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क का यूज किया जाता है। एयरटेल इस रेस में थोड़ा पीछे, वो एयर फाइबर के अंदर उन्होंने अपने प्लान्स वगैरह लेकर आए लेकिन इतने ज्यादा चले नहीं, प्लस एयर फाइबर की जो एयरटेल की रीच है वो भी कम है, और तो और एयरटेल अभी भी पीछे है नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क के साथ, क्योंकि एयरटेल जब तक स्टैंड अलोन नेटवर्क नहीं लाएगा तब तक जो जियो है उससे यहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकता। शायद इसी वजह से एयरटेल के पास अभी भी 75 मिलियन 5G यूजर्स है जबकि जियो 100 मिलियन 5G यूजर के साथ आगे बढ़ चुका है। खैर एयर फाइबर की बात यहाँ पर मैंने कर ली, लेकिन अब आपके नॉर्मल फाइबर के अंदर 1 Gbps की बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जो 1 Gbps का प्लान है दोनों कंपनीज ऑफर करते हैं, दोनों कंपनीज के जो ऑलमोस्ट जो प्लान्स है ना वो काफी ज्यादा नेक टू नेक है। मतलब एक बेसिक कंपैरिजन बता देता हूँ कि यहाँ पे जियो का सबसे सस्ता प्लान 30 Mbps का आता है, यहाँ पे एयरटेल वाले थोड़ा ज्यादा 40 Mbps प्रोवाइड करते हैं, 100 Mbps 200 Mbps देता है। जियो में एक बात है कि आपको मिड वेरिएंट में यहाँ पे आपको 500 Mbps मिलता है, लेकिन एयरटेल आपको 500 Mbps छोड़ के सीधे 1 Gbps इंटरनेट प्रोवाइड करती है। खैर ये एक इफेक्ट यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जब आप दोनों को लेने जाएंगे तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। जियो में अगर आपने जियो का कनेक्शन ले रखा है ऑलरेडी तो बस आपको रिचार्ज करना है 1 Gbps वाले प्लान से और आप वो स्पीड एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन सरप्राइजिंग बात है कि उस स्पीड का आप यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो जियो यहाँ पर जो राउटर प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है डुअल बैंड राउटर, वो कोई वाईफाई 6 राउटर प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको जियो का वाईफाई 6 राउटर चाहिए तो ₹10,000 जियो के मैश राउटर के लिए अलग से प्रोवाइड करो। अब मेरे को अगर वाईफाई 6 का राउटर कंपनी अवेलेबल नहीं करवा रही तो मैं जियो का इतना महंगा राउटर क्यों जाके लूंगा, मार्केट में दूसरा ऑप्शन है मैं उनके पास जाऊंगा। और जो जियो के राउटर के अंदर जो पोर्ट है उनकी जो अंदर जो मैक्सिमम अपलोड और डाउनलोड की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 1 Gbps की, तो 1 Gbps स्पीड मेरे को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मेरे को लैन केबल का यूज करके अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर लगाना पड़ेगा, तब जाके मैं 1 Gbps स्पीड यूज कर पाऊंगा, या फिर मेरे को अलग से वाईफाई 6 राउटर परचेस करना पड़ेगा। ये एक चीज थी जो यहाँ पे जियो के साथ है, लेकिन जियो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको लगने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो 24 आवर्स के अंदर आपको कनेक्शन मिल जाएगा, नॉर्मल कनेक्शन। बस 1 Gbps के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा। एयरटेल की कहानी थोड़ी अलग है, एयरटेल यहाँ पर क्या करता है कि अपने 1 Gbps कनेक्शन के साथ अपना खुद का वाईफाई राउटर प्रोवाइड करता है जो कि यहाँ पे वाईफाई 6 इनेबल्ड है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मेरे को लगा कि चलो यार एयरटेल वाले वाईफाई 6 दे रहे तो एक अच्छी चीज होगी जो वाईफाई 6 यानी कि 1 Gbps स्पीड को सपोर्ट करेगा। इसके बाद पता चलता है कि इस राउटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है ही नहीं, मतलब कि बात मेरे को पता चली कि एयरटेल के अंदर क्या होता है 1 Gbps के कस्टमर्स ही बहुत कम है, इस कारण से राउटर हर जगह अवेलेबल नहीं होता, वो ऑर्डर देकर यहाँ पर आता है। उसके बाद ये भी पता चला कि पीछे बैकएंड में एयरटेल 1 Gbps स्पीड को सपोर्ट करता ही नहीं है, हालांकि एयरटेल एडवर्टाइज करता है आपके पास 1 Gbps स्पीड का इंटरनेट होगा पूरे इंडिया में कहीं भी एयरटेल फाइबर ले, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने जब अप्लाई किया तो उन्होंने बोला कि उनका ये जो सपोर्ट है 1 Gbps वाला वो अभी है ही नहीं, उन्हें पीछे से यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उस पूरा प्लान लिया मैंने, बुक करा, उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन तक इंतजार किया, तब जाके उन्होंने पीछे अपने चेंजेस वगैरह करके 1 Gbps की लाइन को अवेलेबल करवाया, राउटर लेकर आए, तब जाके यहाँ पे 1 Gbps मिला।
जबकि जियो में ऐसा कोई केस नहीं था। तो हालांकि एयरटेल वाले क्लेम काफी ज्यादा करते हैं कि हम हर जगह यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी भी हर जगह इन लोग 1 Gbps प्रोवाइड नहीं कर सकते, जियो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद बारी आती है वाईफाई राउटर का क्या केस है। तो देखो वाईफाई राउटर ये जो लोग प्रोवाइड करवाते हैं एयरटेल, ये खुद नहीं बनाते, एक कंपनी है जिसका नाम है ZYXEL। अब इसे प्रोनाउंस कैसे करते मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंपनी का राउटर इन्होंने प्रोवाइड करवाया। मेरे को लगा था वाईफाई 6 का राउटर है, अच्छा रहेगा। हालांकि देखा तो वाईफाई 6 है, तो थोड़े बहुत ऑब्वियसली जो नॉर्मल डुअल बैंड राउटर्स आते हैं उनसे तो बेटर था ये, लेकिन फिर भी मेरे को लगा यार ये उतना एडवांस नहीं है, रेंज उतनी अच्छी नहीं है, स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि 1 Gbps स्पीड इसमें मिल सकती है अगर आप लैन पोर्ट का यूज करें तो, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसकी जो रीच और डाउनलोड स्पीड सारी चीजें थी ना, वो मेरे को जो रेगुलर जियो का राउटर आता है वैसी लगी। फिर लगा यार इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद मैंने एक और राउटर यहाँ पर लिया जो कि है TP-Link Archer A72 Pro। काफी रिसर्च करने के बाद राउटर मेरे को लगा और वो राउटर का एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था। वो काफी एडवांस राउटर है, डुअल बैंड है, वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है, 160 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल को भी सपोर्ट करता है, जिस कारण से मैं अपने मोबाइल फोन के अंदर भी अप टू 900 Mbps या 950 Mbps की स्पीड्स को अचीव कर पा रहा हूँ। लेकिन एक शर्त यह है कि अगर आपको ऐसी स्पीड्स को अपने लैपटॉप अपने मोबाइल फोन में अगर अचीव करना है तो आपके लैपटॉप मोबाइल फोन में भी इसका सपोर्ट होना चाहिए। डेफिनेटली कोई भी 1 Gbps से प्लान लेने वाला है तो देख ले कि वाईफाई 6 160 मेगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट आपके फोन के अंदर है या डिवाइस के अंदर है या नहीं, क्योंकि तभी आप इसकी हाई स्पीड्स का मजा ले पाएंगे, एल्स आपको 500-600 Mbps की स्पीड तो मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप उस राउटर का मिनी रिव्यू चाहते तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि राउटर मेरे को काफी पसंद आया। 10,000 का राउटर है, सेल वगैरह में 9,200 रुपए तक का मिल सकता है, लेकिन एक बात मेरे को अच्छी लगी कि उसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, प्लस आपको रेंज बहुत अच्छी मिलेगी और आपको कंसिस्टेंट स्पीड मिलेगी। मैं एक फ्लो ऊपर भी चला गया तब भी 600-700 Mbps मेरे मोबाइल फोन में आ रही थी, तो वो चीज मुझे काफी एक अच्छी लगी। एक काफी अच्छा क्वालिटी का राउटर यहाँ पे मिला, वैसा राउटर जो आपके ISPs होते हैं ना वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते। बस एक कमी लगती कि अगर जियो एयरटेल भी अच्छी क्वालिटी का राउटर खुद प्रोवाइड करने लगे ना तो काफी मजा आ जाएगा। खैर चलिए ये सारे कंपैरिजन हो गया, लेकिन इसके साथ एक स्पीड का कंपैरिजन बता देता हूँ। देखो 1 Gbps दोनों प्रॉमिस करते हैं, दोनों 1 Gbps की स्पीड को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अगली चीज आती है एयरटेल में, हमने देखा है कि अक्सर जो स्पीड जो लोग प्रॉमिस करते हैं उससे ज्यादा डिलीवर करते हैं। तो 40 Mbps के प्लान में 50 Mbps मिलेगी, यहाँ पे आपको 100 Mbps के प्लान में 120-130 Mbps मिलेंगी। जियो वाले भी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पर रहते हैं, लेकिन एक जो मेजर एडवांटेज मैंने देखा कि यहाँ पे जो पिंग होता है ना वो मेरे को एयरटेल में थोड़ा कम था, जियो में थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज थी कि 1 Gbps के प्लान में आप 1 Gbps के ऊपर की स्पीड यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन ये कि जो लैन पोर्ट इन्होंने दे रखा है अपने राउटर के पीछे वो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1 Gbps की स्पीड के साथ देता है। मेरे हिसाब से अगर एयरटेल वाले 1 Gbps का राउटर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो लैन पोर्ट पीछे आपको 2.5 Gbps वाला दे सकते हैं, क्योंकि जो वाईफाई राउटर मैंने यहाँ पर लिया उसके अंदर आपको 2.5 Gbps का पोर्ट देखने को मिलता है, जिस कारण से 1 Gbps के ऊपर की भी स्पीड लोग यहाँ पे इंजॉय कर पाए। लेकिन हमें पता है कि अक्सर ये जो कंपनीज होती है ना सिर्फ इंटरनेट ही प्रोवाइड नहीं करती, इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, खास तौर पे OTT सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो जियो के साथ एक अच्छी बात है कि जियो वाले अपने हर कनेक्शन के साथ अपना सेट टॉप बॉक्स देते हैं जो कि उनके एंड्रॉइड बेस्ड है और अपने JOS पे चलता है, जिसके अंदर आप मल्टीपल OTT एप्स को एंजॉय कर सकते हैं। और खास बात है कि मेजॉरिटी जो एप्स जो यहाँ पे आप यूज करते हैं उन्हें आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी हर जगह यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एप्स का सपोर्ट है वो अच्छा है, जैसे कि यहाँ पे आपको सोनी लिव, Z5, हॉटस्टार, Amazon प्राइम वीडियो का 1 साल का सब्सक्रिप्शन और नेटफ्लिक्स के अंदर जो बेसिक प्लान होता है ना वो चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये कुछ ऐसी एप्स हैं जिनको आप अपने मोबाइल फोन वगैरह में यूज कर सकते हैं। इवन जियो सिनेमा जो नई आई है उसका जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आया जियो वाले वहाँ यहाँ पे वो भी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कुछ एडेड एडवांटेजेस लगे। कुछ एप्स ऐसी जिनको आपको वही यूज करना पड़ेगा उनके सेट टॉप बॉक्स के अंदर, जैसे लायंस गेट प्ले को उनके जियो टीवी प्लस ऐप के साथ यूज करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी एप्स को आप अपने मोबाइल फोन या जितने भी डिवाइसेस होते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको टीवी चैनल्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उनके सेट टॉप बॉक्स के अंदर इंटरनेट के थ्रू टीवी चैनल्स चलेंगे, वहां पे आप उसे एंजॉय करेंगे। बस ये लगा कि यार ये लोग 4,000 रुपए अगर पर मंथ चार्ज कर रहे हैं तो नेटफ्लिक्स का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है जियो वाले वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में कुछ चीजें यहाँ पे अलग है। सबसे पहले तो OTT एप्स के बता देता हूँ। OTT में नेटफ्लिक्स के लोग प्रीमियम देते हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी प्रोवाइड कर देते हैं, प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है Amazon प्राइम वीडियो जो 1 साल तक चलेगा। इसके बाद जितनी भी OTT एप्स ये लोग बोलते हैं ना उसका सब्सक्रिप्शन बताऊं कैसे प्रोवाइड कर दे, एयरटेल की एक्सट्रीम प्ले ऐप आती है
जो ऑब्वियसली इनके सेट टॉप बॉक्स आपके मोबाइल फोन हर जगह चलेगी, लेकिन बात है कि जब दो से ज्यादा लोग अगर इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो तीसरा आदमी इसे यूज नहीं कर सकता। अगली चीज ये कि यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड ऐप्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। सोनी लिव एक प्राइमरी ऐप है इसके अंदर, लेकिन बाकी जो ज्यादातर ऐप्स है उनका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, यानी उसमें ऐसे कोई भी खास ऐप आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जिसके लिए एयरटेल एक्सट्रीम प्ले को रखा जाए। तो ओवरऑल बात किया तो ओटीटी ऐप्स के सब्सक्रिप्शन में मेरे को जियो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा बेटर लगता है। एयरटेल वाली भी अगर यूनिक ऐप का सब्सक्रिप्शन अगर अपने अंदर ले तो वो चीज बेटर लगेगी। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा एयरटेल के सेट टॉप बॉक्स की। अब मैं जियो सेट टॉप बॉक्स एयरटेल को बॉक्स को कंपेयर करूं तो एयरटेल वाले सुपीरियर निकल जाता है यहाँ पे, क्योंकि एयरटेल के अंदर लिटरली अब 4K सपोर्ट करता है, डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट है, क्रोमकास्ट का सपोर्ट है, और तो और एयरटेल के अंदर लाइव टीवी चैनल्स के लिए आपको डिश एंटीना लगाने की जरूरत पड़ेगी, जिसका यूज करके आप लाइव टीवी चैनल्स को यूज कर सकते हैं। और 1 अप्रैल के बाद से पता है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे नया प्लान इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे आपको डिश एंटीना या जो एयरटेल की जो डीटीएच सर्विस होती है वो आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि 4,000 रुपए का कनेक्शन जो मैंने लिया है उसके अंदर मेरे को 350 चैनल्स देखने को मिलेंगे, कुछ HD चैनल्स है, 4K सेट टॉप बॉक्स लगाएंगे और लाइव टीवी चैनल जो उनके डीटीएच से आएंगे वो चलेंगे। जब तक मैं इनका रिचार्ज कराता रहूंगा तब तक इनके जो टीवी चैनल्स है वो यहाँ पे चलते रहेंगे, तो वो एक एडेड एडवांटेज लगा। सेट टॉप बॉक्स भी काफी पावरफुल लगा कंपेयर टू जियो सेट टॉप बॉक्स, एयरटेल का बॉक्स यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लगा। बस बात ये थी अगर मैं एयरटेल का बॉक्स ना लेना चाहूं तो कुछ पैसे वैसे कुछ कम नहीं करते, आपको तो ये चीज लेनी ही लेनी पड़ेगी। ओटीटी एप्स के अंदर यहाँ पे आपका जो जियो है वो थोड़ा आगे निकल जाता है, जबकि जो एयरटेल है वो आगे निकलता है अपने लाइव टीवी अपने सेट टॉप बॉक्स के कारण, जबकि जो नंबर ऑफ एप्स और जो क्वालिटी एप्स होती है वो जियो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब बारी आती है कि एयरटेल या जियो दोनों का आपको 1 Gbps का प्लान लगवाना चाहिए, क्या सच में इसकी जरूरत है? यार नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए 200 Mbps मोर देन सफिशियंट है, 4K में आप वीडियो वगैरह एंजॉय कर सकते हो। हालांकि उन लोगों को 1 Gbps की जरूरत पड़ सकती है जहां पे मल्टीपल कंप्यूटर्स हो, मल्टीपल डिवाइसेस हो, कॉन्स्टेंटली डाउनलोडिंग चल रही, खास तौर पे बड़े बड़े गेम्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं वहां पे मदद कर सकता है, या फिर अगर आपको ज्यादा अपलोडिंग करनी है जैसे कि मेरे को यूट्यूब अगर 4K में वीडियो अपलोड करना है या फिर मेरे को 4K रॉ फाइल्स अपलोड करनी है वहां पे मेरे को जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन गेमिंग के अंदर कुछ केसेस में जरूरत पड़ सकती है, मैं कभी कभी लाइव स्ट्रीमिंग यूज करता हूँ यूट्यूब के अंदर, वहां मेरे को जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए मेरा जो यूज केस है वो नीश में आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे लगवाया ताकि हम इसे और भी यूज करते रहेंगे। और हाँ, यूट्यूब भी है वो भी 1 Gbps की अपलोड स्पीड को यहाँ पे सपोर्ट करता है, वो भी हमने चेक किया। लेकिन बात एक ही नॉर्मल कंज्यूमर के लिए नहीं अभी भी, लेकिन फिर भी जो कंपनी जो अपना जो बेस्ट प्लान ऑफर करती है उसको एक्सपीरियंस कैसे करके देखा जाए तो वो मैंने देखा। मेरे को लगता है कि दोनों कंपनियों को 1 Gbps पर रुकना नहीं चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि बाहर दूसरी कंट्रीज में 5 Gbps तक के इंटरनेट कनेक्शन है। अगर जियो एयरटेल कोई भी कंपनी अगर 5 Gbps का भी प्लान अगर फ्यूचर में लाएगी ना, डेफिनेटली हम उसे भी लेकर चेक करेंगे और देखेंगे कि उसका एक्सपीरियंस क्या। इसके साथ ही आखिरी जो चीज होती है वो होती है सर्विस, और सर्विस को लेकर मार्केट में बहुत सारी चीजें, कोई कहता है जियो का सर्विस अच्छा, कोई कहता है एयरटेल का अच्छा। सच बात बताओ, कोई गारंटी नहीं है कि आपके एरिया में किसका सर्विस अच्छा होगा। यहाँ पे मतलब मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जियो मेरा कभी डाउन नहीं हुआ, जियो में बस ये दिक्कत आती कभी मेरे को लगता था स्लो हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, उनका राउटर की क्वालिटी थोड़ी सी लो थी जिस कारण से कभी कभी रीस्टार्ट कर दो उसके बाद चीजें फाइन हो जाती थी, लेकिन कभी भी कोई भी डाउन टाइम मेरे को महसूस नहीं हुआ। एयरटेल में क्या है कि एयरटेल में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यहाँ पे 24 घंटे चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात यह कि कहीं कहीं वो अपनी सर्विस प्रॉमिस करते हैं कि 1 Gbps का कनेक्शन हम पैन इंडिया अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन टेक्निकली ये चीज है नहीं और बैकएंड में सारी चीजें करने में उन्हें टाइम लग जाता है। तो सिंपल सी बात है कि कहीं पे आपको दोनों की सर्विस अच्छी मिलेगी, कहीं पर आपको एक की सर्विस अच्छी मिलेगी दूसरे की खराब है, और कहीं पे हो सकता है दोनों की खराब हो। ये चीज है ना, रीजन टू रीजन डिपेंड करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एयरटेल की बेस्ट सर्विस, लोग कह रहे एयरटेल अच्छी देगा, लेकिन क्या पैन इंडिया हर जगह आपको अच्छी देगा? ये क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे खुद देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में लिटरली कौन सर्विस देता है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो एयरटेल को हाँ थोड़ा सा टाइम वगैरह लगा, लेकिन ये बोलना चाहूंगा एयरटेल के बारे में दे रहा है दुरुस्त है, कुछ जगह और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी सर्विस को और बेटर कर सकते हैं, प्लस अपनी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं खासतौर पर राउटर की या जो अपनी ओटीटी एप्स का सब्सक्रिप्शन ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है। बाय द वे, आप लोगों को कौन सी कंपनी यहाँ पे पसंद है, जियो या एयरटेल, ये बात दीजिए कमेंट बताओ। थैंक यू आपके वीडियो देखने के लिए, मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।